अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए निसाब में शामिल दसवीं यूनिट उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ हैयतें तर्जुमा और ज़राए इब्लाग के हवाले से सवाल जवाब पेश कर रही हूँ, जो इम्तहान के नुक्ते नज़र से बहुत ही मुफीद और कारामद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसके क्या मानी हैं? जवाब है, रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं चार चार के। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। अगला सवाल है, तारीफ़ात के हिसाब से असनाफ़ सुखन के नाम शामिल कीजिए, यानी इसमें पता रुबाई वासोख्त रेख्ती और इसके अलावा है शहर आसोब, इन सब की तारीफ़ात दी गई हैं और उन्हें जोड़ना है कि कौन सी तारीफ किसकी है। ए है सबसे पहले, ऐसी सिंफ जिसमें चार मिसरों में एक मज़मून अदा कर दिया जाता है और उसके तमाम मिसरों में ख्याल मरबूत होता है और आखिरी मिसरे में ख्याल की तकमील होती है। नेज़ उसके पहले दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होते हैं और तीसरा मिसरा जो होता है वो बेकाफिया होता है। ऐसी सिंफ जो है वो रुबाई कहलाती है। बी है, ऐसी नज़्म जो मज़मून वाहिद पर मुश्तमिल हो और उसका पहला शेर गज़ल और कसीदे की तरह मतला ना हो बल्कि सिर्फ हर शेर के दूसरे मिसरे हम काफिया हों, ऐसी सिंफ जो होती है वो क़ता कहलाती है। सी है, ऐसे सिंफ सुखन जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की ज़बान मुहावरे और रोज़मर्रा में की जाती है, ऐसी सिंफ जो होती है वो रेख्ती कहलाती है। डी है, ऐसी सिंफ सुखन जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात की जाती है, ऐसी सिंफ सुखन रेख्ती कहलाती है। ई है, ऐसी नज़्म जिसमें हयात की किसी ख़ास पाबंदी के बग़ैर किसी मुल्क या शहर की बदहाली का बयान हजविया अंदाज में हो। जवाब है, ऐसी सिंफ सुखन जो होगी वो शहराशोब कहलाती है। इसका दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में से किस नाम से रुबाई को नहीं जाना जाता है? जवाब है, रुबाई को मुरब्बा के नाम से नहीं जाना जाता। इसके अलावा रुबाई को तराना, दोबैती, चहार मिसरई और खफ्ती और खसी वगैरह के नाम से जाना जाता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। अगला सवाल है, रुबाई के लिए कितने औज़ान मुख्तस हैं? जवाब है, रुबाई के लिए देखा जाए तो सिर्फ एक बहर और 24 औज़ान मुख्तस हैं और रुबाई जो होती है वो सिर्फ एक उसी एक बहर और उन्हीं औज़ान में कही जा सकती है और रुबाई के लिए वो जो औज़ान हैं वो तो 24 हैं और जो बहर है वो सिर्फ एक बहर है और उस बहर का नाम है बहरे हज्ज। यानी दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, सॉरी तीन हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में से उर्दू में पहला शहर आशोब लिखने वाला शायर कौन है? जवाब है, उर्दू में पहला शहर आशोब लिखने वाले शायर मसूद साद सलमान हैं। सॉरी, उर्दू में पहला शहर आशोब लिखने वाले शायर जो हैं वो जाफ़र ज़टल्ली हैं और इनके शहर आशोब का नाम जो है वो नौकरी नामा है। ये इनका नौकरी नामा जो है वो जाफ़र ज़टल्ली का मशहूर शहर आशोब है जिसमें कुल 25 अशार हैं।
शहर अशोक की रवायत जो शुरू हुई थी वो 18वीं सदी ईस्वी के अवायल से शुरू हुई थी, और ये पहले शायर थे, और इनका जो मशहूर शहर अशोक है वो जाफर जटल्ली का नौकरी नामा के नाम से है। इसके अलावा मसूद साद सलमान को हिंदी अदब का पहला शायर माना जाता है, अमीर खुसरो को उर्दू का पहला शायर माना जाता है, और मिर्ज़ा सौदा जो है वो मशहूर कसीदा गो शायर हैं। अगला सवाल है, आमतौर से रेख्ती किस हयात में लिखी जाती है? जवाब है, आमतौर से रेख्ती जो है वो गज़ल की हयात में लिखी जाती है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। रेख्ती की तारीफ अभी हमने देखी थी कि ऐसी सिंफ सुखन होती है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की जबान और मुहावरे में और रोज़मर्रा की बोलचाल में किया जाता है, तो उसे रेख्ती कहते हैं, और ये गज़ल की तरह ही लिखी जाती है। अगला सवाल है, वासोख्त किसकी शाख है? जवाब है, वासोख्त जो है वो मामला बंदी की शाख है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। अगला सवाल है, वासोख्त किस जबान से उर्दू में आई? जवाब है, वासोख्त जो है वो फारसी जबान से उर्दू में आई थी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। वासोख्त अभी हमने देखा कि वासोख्त वो सिंफ सुखन होती है, यानी ऐसी नज्म होती है जिसमें शायर महबूब के जुल्म सितम और उसके बेल्तफाती और बेतनाई से तंग आकर रद्दअमल के तौर पर दूसरे महबूब का तारीफ़ो तौसीफ़ और उसके हुस्न जमाल की मदहोसराई करते हुए उससे दिल लगाने की अगर बात करने लगता है तो वो सिंफ सुखन वासोख्त कहलाती है। और वासोख्त के जो अशार होते हैं वो आमतौर से मुसद्दस, तरजीबंद, तरकीबबंद वगैरह हयातों में लिखे जाते हैं, और वासोक्त जो होती है वो मामला बंदी की शाख होती है। अगला सवाल देखते हैं, शिबली ने वासोक्त का मौजिद किसे करार दिया है? जवाब है, शिबली ने वासोक्त का मौजिद वहशी यजदी को करार दिया है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़दीक वासोख्त का मौजिद कौन है? जवाब है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़दीक वासोख्त का मौजिद जो है वो मीर तकी मीर है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात में लिखा है कि अहले तहकीक ने फगानी या वहशी को फारसी में और उर्दू में मीर तकी मीर को वासख्त का मौजिद तस्लीम किया है। इस वजह से मोहम्मद हुसैन आज़ाद वासख्त का मौजिद जो है वो मीर तकी मीर को करार देते हैं, जबकि फारसी में अल्लामा शिबली नुमानी फारसी में वासख्त का मौजिद वहशी यजदी को करार देते हैं। अगला सवाल है, नौकरी नामा किसका लिखा हुआ मशहूर शहर अशोब है? जवाब है, नौकरी नामा जो है वो जाफर जटल्ली का लिखा हुआ मशहूर शहर अशोब है जिसमें कि 25 अशार हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में से कौन रेख्ती का शायर नहीं है? जवाब है, रेख्ती के शायर जो हैं वो ख्वाजा मीर दर्द नहीं है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, हाशमी, शहादत यार खान, रंगीन, और तीसरे ऑप्शन में भी रंगीन ही दिया हुआ है, यानी ये लोग जो हैं वो रेख्ती के शायर हैं, यानी इन्होंने इनके कलाम में रेख्ती भी मिलती है लेकिन ख्वाजा मीर दर्द के कलाम में रेख्ती नहीं मिलती। अगला सवाल है, काजी अब्दुल वदूद ने किसे वासोख्त का मौजिद तस्लीम किया है? जवाब है, ख्वाजा मीरदर्द ने आबरू को वासोख्त का मौजिद तस्लीम किया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। काजी अब्दुल वदूद जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो राय पेश की थी कि
उर्दू में वासोख्त के मौजिद इन्होंने मीर तकी मीर को करार दिया था। तो काजी अब्दुल वदूद इस राय से अख्तलाफ करते हैं और उन्होंने मीर के बजाय आबरू को वासोख्त का मौजिद करार दिया है। वासोख्त के जो अहम शोरा हैं उनमें मीर, आबरू, जुरात, शौक, अमानत लखनवी वगैरह जाने जाते हैं। और लखनऊ में जो है वासोख्त को सबसे ज़्यादा फरोग जो है वो अमानत लखनवी ने दिया था। अगला सवाल है, लखनऊ में वासोख्त को सबसे ज़्यादा फरोग किसने दिया था? जवाब है, लखनऊ में वासोख्त को सबसे ज़्यादा फरोग अमानत लखनवी ने दिया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, तारीफ़ात के एतबार से असनाफ और हैयतों के नाम शामिल कीजिए। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले ए है, अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा लगाना क्या कहलाता है? तो जवाब है, अपने या किसी दूसरे शायर के शेर या मिसरे पर मिसरा लगाना तज़मीन कहलाता है। बी है, ऐसी नज़्म जिसके हर मिसरे के बाद एक मौज़ू फ़िक्रा बढ़ा दिया जाए तो वो मुस्तज़ाद कहलाता है। सी है, ऐसी नज़्म जिसका हर बंद तीन तीन मिसरों पर मुश्तमिल हो तो ऐसी नज़्म जो होती है वो मुसल्लस कहलाती है। डी है, ऐसी नज़्म जिसमें महज तीन मिसरे हों, ऐसी नज़्म जो होती है वो सलासी कहलाती है। ई है, ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में चार चार मिसरे होते हैं, ऐसी नज़्म मुरब्बा कहलाती है। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में से कौन गीत की किस्मों में शामिल नहीं है? जवाब है, गीत की किस्मों में जो शामिल नहीं है, गीत की सबसे पहले हम किस्में देखते हैं कि गीत के कितनी किस्में होती हैं। तो गीत में लतीफ़ गीत, क्लासिकी गीत, पॉप गीत या फिर लोक गीत, ये सब जो होती हैं गीत की कई किस्में होती हैं, जबकि राग गीत जो है ये गीत की किस्म नहीं है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, तारीफ़ात के एतबार से असनाफ़े सुखन और हैयतों के नाम जोड़िए। सबसे पहले ए है, इसमें हम देखते हैं ऐसी नज़्म जिसमें मुस्तज़ाद मुतअद्दद बंद और हर बंद में मुतअद्दद मिसरे हों, ऐसी नज़्म जो होती है वो मसम्मत कहलाती है। बी है, ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में पांच पांच मिसरे हों, ऐसी नज़्म मुखम्मस कहलाती है। नज़ीर अकबर आबादी की जो बेशतर नज़में हैं वो मुखम्मस की हैयत में हैं। सी है, ऐसी नज़्म जिसकी हर बंद में छः छः मिसरे हों, ऐसी नज़्म जो होती है वो मुसद्दस कहलाती है। उर्दू में आमतौर से जो मरसिये हैं लिखे गए हैं वो मरसिये तमाम के तमाम बेशतर मुसद्दस की हैयत में हैं। इसके बाद डी है, ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में आठ आठ मिसरे होते हैं, ऐसी नज़्म जो होती है वो मुसम्मन कहलाती है। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, हाइको कहाँ की कदीम सिंफ है? जवाब है, हाइको जो है वो एक कदीम जापानी सिंफ है जिसमें सिर्फ तीन मिसरे होते हैं। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, हाइको में कितने मिसरे होते हैं? जवाब है, हाइको में तीन मिसरे होते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हाइको में जो होते हैं वो सिर्फ तीन मिसरे होते हैं। हाइको के लिए ये शर्त है कि उसके तीनों मिसरों में के जो जुमला अरकान होते हैं वो 17 हों, या ये कहा जा सकता है कि हाइको की बनावट जो है वो 5, 7 और 5 के वज़न पर कायम होती है। यानी ऐसी नज़्म होती है जिसमें तीनों मिसरों में पहला मिसरा 5 के वज़न पर, दूसरा मिसरा 7 के वज़न पर और तीसरा मिसरा जो होता है वो 5 के वज़न पर कायम होता है। और इसके जो अरूजी अरकान होते हैं जैसे
पहला मिसरा होता है फालन फालन फा, दूसरा मिसरा फालन 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 फा, तीसरा मिसरा फिर होता है फालन फालन फा। ये इसके उरूजी अरकान होते हैं और आमतौर से हाइको में जो होती है वो मौजूआत की कोई कैद नहीं होती है, यानी हाइको में आमतौर पर मनाजिर फितरत के मुशाहदात व तजर्बात नकल किए जाते रहे हैं और उर्दू में तो अब हमद और नात भी हाइको में कही जाने लगी हैं। अगला सवाल देखते हैं, हाइको के तीन मिसरों में कितने अरकान होते हैं। अभी मैंने बताया कि हाइको के तीनों मिसर में जो अरकान होते हैं वो 17 होते हैं, यानी पहले 5 फिर 7 फिर 5, कुल मिला के 17 अरकान हो जाते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू में हाइको को पहले किस नाम से जाना जाता था। जवाब है, उर्दू में हाइको को पहले सलासी या तसलीत के नाम से लिखा जाता है। उर्दू में पहले इन्हें तिकोनी नज़में भी यानी हाइको को पहले सलासी या तसलीत के नाम से जाना जाता था, और जापानी में चूँकि यह कदीम जापानी सिंफ सुखन है तो जापानी में हाइको को पहले हाइकाई या हकोई कहा जाता था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू में हाइको का मौजिद किसे तस्लीम किया जाता है। जवाब है, उर्दू में हाइको का मौजिद जो है वो नादिम बलखी को तस्लीम किया जाता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और जापान में जो हाइको का मौजिद जिन्हें माना जाता है वो काहा माको शी को माना जाता है। अगला सवाल है, ज़ैल में से किसे पठानी राग कहा जाता है। जवाब है, पठानी राग जो है वो चहार बैत को कहा जाता है। चहार बैत जो होती है, सबसे पहले हम समझते हैं चहार बैत क्या है। चहार बैत ग्रुप मुकाबले में गाए जाने वाली एक सिंफ होती है जिसे अखाड़ा या दंगल भी कहते हैं, और ये दो गिरोह के मुकाबले में पुरजोश सवालों जवाब का जो मुजाहरा किया जाता है, और दोनों ग्रुप का एक खलीफा या उस्ताद होता है और वो उस्ताद फन लिख कर देता है और खलीफा अपने हमनवा के साथ उस फन को दंगल में पेश करता है और सभी लोगों के हाथ में एक दफ होता है। यानी पठान राग जो है वो चहार बैत को कहा जाता है। चहार बैत जो है वो फारसी से माखूज है और चहार बैत को जो है वो कव्वाली के अंदाज में ये पेशकश से ज़्यादा करीब है, और चहार बैत की सिंफ जो है वो हिंदुस्तान के लोकगीतों में बड़ी अहमियत की हामिल है। अगला सवाल है, चहार बैत उर्दू में कहाँ से आई। जवाब है, चहार बैत उर्दू में पश्तो अदब से आई है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चहार बैत की इजाद जो है वो अफगानिस्तान के सरहदी पठानों ने की थी, यानी ये पश्तो से उर्दू में आई है। अगला सवाल है, चहार बैत की इब्तिदा हिंदुस्तान में किसने की थी। जवाब है, चहार बैत की इब्तिदा हिंदुस्तान में जो है वो रामपुर के अब्दुल करीम खान गजनवी ने की थी। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, त्राइले कैसे सिंफ सुखन है। जवाब है, त्राइले जो है वो ये एक फ्रांसीसी सिंफे सुखन है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। त्राइले जो है ये 8 मिसरों पर मुश्तमिल एक फ्रांसीसी सिंफे सुखन होती है जिसमें कोई एक ख्याल या एक तजर्बा लतीफ और रंगीन शेरी सांचे में ढाला जाता है। और त्राइले के जो 8 मिसरे होते हैं इसमें पहला, तीसरा और 5वां मिसरा जो होता है
वो हम काफिया होता है, और जो दूसरा और छठा मिसरा होता है वो भी हम काफिया होता है, मगर पहले तीसरे और पांचवें मिसरे जो हम काफिया होते हैं उनके काफिये अलग होते हैं, और जो दूसरा और छठा मिसरा होता है वो उसके काफिये अलग होते हैं, और त्राइले का जो पहला चौथा और सातवां मिसरा होता है वो एक ही मिसरा होता है, यानी बार बार एक ही मिसरा रिपीट होता है, और इस तरह दूसरा और आठवां मिसरा भी एक ही होता है, मगर पहले जो मिसरे होते हैं उनसे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अगला सवाल है, ज़ैल में से उर्दू के पहले त्राइला निगार कौन है? जवाब है, उर्दू के पहले त्राइला निगार जो है वो अता मोहम्मद शोला है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। फ्रांसीसी में जो त्राइले का मौजिद है वो एडिंस ले राय को करार दिया जाता है, और उर्दू में अता मोहम्मद शोला को कहा जाता है। अगला सवाल है, तारीफात के एतबार से असनाफ के नाम शामिल कीजिए। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले है ऐसी सिन्फ जिसमें मौसीकियत की फरावानी होती है और उसमें शख्सी जज्बात या दिली कैफियत सादगी और बेतकल्लुफी के साथ पेश किए जाते हैं, ऐसी सिन्फ को क्या कहते हैं? जवाब है, ऐसी सिन्फ जो होती है वो गीत कहलाती है। इसका बी हो जाएगा, ऐसी सिन्फ जिसमें तीन मिसरे हों और तीनों मिसरों के जुमला अरकान 17 हों, ऐसी सिन्फ हाइको कहलाती है। सी है, ऐसा मुख्तसर नविश्ता जो किसी किताब को आम कारी से मुतारिफ कराने की गरज से लिखा जाता है उसे तबसरा कहते हैं, यानी किसी किताब पर कोई तबसरा लिखा जाता है उसमें जुमला किताब की तमाम खूबियां तमाम खामियां और किताब में क्या क्या शमूलियत है क्या क्या नहीं है इन सब के बारे में एक मुख्तसर यानी एक दो सफ़े का तीन सफ़े का इस तरह से एक मुख्तसर मज़मून जो लिखा जाता है उसे तबसरा कहते हैं। इसके बाद डी देखते हैं, आठ मिसरों पर मुश्तमिल ऐसे सिन्फ जिसमें कोई ख्याल या एक तजुर्बा लतीफ़ो रंगीन शेरी सांचे में ढाला जाता है और उसके आठों मिसरों में पहला तीसरा और पांचवा मिसरा हम काफिया होता है, ऐसी जो नज्म होती है उसे त्राइले कहते हैं। अगला सवाल है, किसी वाक़े की खबर या रिपोर्ट इस तरह तैयार करना कि उसमें अफसाने का अंदाज पैदा हो जाए या उसमें मुनसिफ की शख्सियत की झलक हो लेकिन वो हकीकत पर मबनी हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। दुरुस्त ये इसका ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। इसका दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला सवाल है, ऐसी सिन्फ ज़राफ़त को क्या कहते हैं जो किसी के तर्ज निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल निगारिश के अल्फाज़ और ख्यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुरात पैदा हो जाएं। ऐसी सिन्फ को जवाब है, ऐसी सिन्फ को पैरोडी कहते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, जबकि अभी हमने देखा तबसरा जो होता है वो होता है एक मुख्तसर नोट जो किसी किताब को आमकारी से मुतारिफ करने की गरज से लिखा जाता है। इसके अलावा रिपोर्टाज जो होता है वो किसी वाक़े की खबर या रिपोर्ट इस तरह तैयार करना होता है कि उसमें अफसानवी अंदाज पैदा हो जाए या उसमें मुसन्निफ की शख्सियत की झलक हो तो वो रिपोर्टाज हो जाता है, जबकि त्राइले जो है वो आठ मिसरों पर मुश्तमिल एक नज्म की सिन्फ है। अगला सवाल है, पैरोडी के क्या मानी है? जवाब है, पैरोडी जो है वो लफ्ज़
पैरोडिया से निकला है और इसके मानी जो होते हैं वो जवाबी नगमा के होते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, पैरोडी से मुतालिक किताबों और मजामीन के एतबार से मुसन्निफीन के नाम जोड़िए। इसमें हम देखते हैं कि पंजाब का जोग्राफिया जो है वो चिराग हसन हसरत की पैरोडी है। उर्दू की आखिरी किताब ये पैरोडी इब्ने इंशा की है। तुजुके नादरी ये पैरोडी शफीकुर रहमान की है। कपूर का फन ये अहमद जमाल पाशा की पैरोडी है। और गालिब जदीद शोरा की महफिल में और हाली तरक्की पसंद अदीबों की महफिल में ये कन्हैया लाल कपूर की पैरोडी है। यानी इसका दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह पैरोडी की एक मिसाल और भी है, ये इब्ने इंशा की जो मशहूर गज़ल है, कल चौदहवीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, जंगल तेरे पर्वत तेरे बस्ती तेरी सहरा तेरा, इस शहर में किससे मिले हमसे तो छूटी महफिलें, हर शख्स तेरा नाम ले हर शख्स दीवाना तेरा। इस गज़ल की जो है सादिया हरीम ने पैरोडी की है और वो इस तरह है, कल रात निकली थी पुलिस शब भर किया पीछा तेरा, मालूम था सबको मगर पकड़ा न परसाया तेरा, धंधा करे कोई तो क्या हर शय पर है कब्जा तेरा, दफ्तर तेरे अफसर तेरे मोटर तेरी बंगला तेरा, इस शहर में किससे मिले हमसे तो छूटी महफिलें, हर शख्स करता है तलब भूला हुआ कर्जा तेरा। अगला सवाल देखते हैं, रिपोर्टाज का मौजिद किसे करार दिया गया है। जवाब है, रिपोर्टाज का मौजिद जो है वो हमीद अख्तर को करार दिया गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रिपोर्टाज जो है वो किसी वाक्य या खबर की रिपोर्ट जो होती है वो अगर अफसानवी अंदाज में तैयार की जाती है या उसमें मुसन्निफ की शख्सियत की झलक उठती है तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। और रिपोर्टाज जो है वो अंग्रेजी में रिपोर्टेज इसे कहते हैं और ये फ्रांसीसी लफ्ज का तलफ्फुज है। अगला सवाल है, किसने रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है। जवाब है, अली सरदार जाफरी ने रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने लिखा है कि हम रिपोर्टाज को वाकयात की अदबी और महाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं। जवाब है, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने लिखा है कि हम रिपोर्टाज को वाकयात की अदबी और महाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मुरब्बा के लिए कौन सी बहर मुख्तस है। जवाब है, मुरब्बा के लिए जो है वो कोई बहर मुख्तस नहीं है। यानी मुरब्बा जो होती है वो चार मिसरों पर मुश्तमिल नज्म होती है लेकिन इसके लिए कोई बहर मुख्तस नहीं है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहर हजज जो है, बहर हजज रुबाई के लिए मुख्तस है। बहर मुतकारिब में जो है वो मसनवी सहरुल बयान लिखी गई है और मसनवी गुलजार नसीम जो है वो बहर हजज मुसद्दस अखरब मकबूज में लिखी गई है। अगला सवाल है, ऐसी रुबाई जिसका तीसरा मिसरा गैर मुकफ़ा हो उसे क्या कहते हैं। जवाब है, ऐसी रुबाई जिसका तीसरा मिसरा गैर मुकफ़ा हो उसे खस्सी कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है,
रुबाई के हर मिसरे में कितने अरकान होते हैं? जवाब है, रुबाई के हर मिसरे में 4 अरकान होते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने रेख्ती का मौजिद किसे करार दिया है? जवाब है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने रेख्ती का मौजिद सादत यार खान रंगीन को करार दिया है इन्होंने। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक जो है रेख्ती के मौजिद सादत यार खान रंगीन है और उन्होंने आबे हयात में इन्हें ही लिखा है। आबे हयात में ये लिखते हैं कि रेख्ती का शोक रंग सादत यार खान रंगीन का ईजाद है। जबकि यूजीसी के मुताबिक यानी यूजीसी ने अपने निसाब में जो बताया है रेख्ती का मौजिद वो इन्होंने हाशमी बीजापुरी को बताया है। अगला सवाल है, मुसद्दस की हयात में सबसे पहले किसने वासोख्त कहना शुरू किया? जवाब है, मुसद्दस की हयात में सबसे पहले वासोख्त जो है वो मीर तकी मीर ने कहना शुरू किया। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू अदब में तर्जुमा कहाँ से आया? जवाब है, उर्दू अदब में तर्जुमा जो है वो मगरबी अदब से आया। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, तर्जुमा किस जबान का लफ्ज है? जवाब है, तर्जुमा जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, अखबार की ऐसी उस अहम तहरीर को क्या कहते हैं जिसमें मुदीर नाशिर या मालिक किसी अहम मसले पर राय देता है? जवाब है, अखबार की उस अहम तहरीर को इदारिया कहते हैं यानी जो एडिटोरियल पेज होता है उसमें मुदीर नाशिर या मालिक जो होता है वो किसी अहम मसले पर अपनी राय देता है। इदारिया के जो मानी है वो अखबार के एडिटर का अपना ख़ास मजमून मकाला अख्तितानिया एडिटोरियल या आर्टिकल होता है और इदारिया को जो है वो अखबार की जान अखबार की ज़मीर वाक़ियात पर रोशनी डालने वाली मशाल और ऐसा एक ऐसा हथियार कहा जाता है जिससे सल्तनतों की किस्मत के फैसले होते हैं और तहजीब व तमद्दन के कई शोबों में इनकलाब लाया जाता है। यानी इदारिया जो होता है वह अखबार का एक बहुत अहम ही हिस्सा होता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके अलावा कालम जो है कालम ये एक ऐसा सहाफती फीचर होता है जिसमें कालम नवेस किसी मुंतखब मौजू पर अपने मखसूस अंदाज में अपनी राय पेश करते हुए किसी मामला के जो अहम पहलुओं पर रोशनी डालता है उसे कालम कहते हैं। इसके अलावा फीचर जो होता है फीचर ये एक हल्का फुल्का मजमून होता है जिसमें किसी इदारे शय या फर्द पर ज़रूरी रोशनी डालते हुए उसके अहम पहलुओं को नुमाया किया जाता है। और जो मंजरनामा है यानी स्क्रिप्ट राइटिंग ये स्क्रिप्ट जो होती है ये एक ऐसी तहरीर होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ ख्याली या हकीकी वाकयात की सिलसिलावार तफसीलात मा आवाज़ी और तसव्वुरी अज्जा के होती हैं यानी ऑडियो वीडियो का जो इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें उस मैदान के कबूल करदा या मंजूर शुदा इस्तेलाहात मुखफफात और हैत को इस्तेमाल किया जाता है उसे मंजर नामा या स्क्रिप्ट कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ऐसी तहरीर को क्या कहते हैं जिसमें किसी मुंतखब मौजू पर अपने मखसूस अंदाज में अपनी राय पेश करते हुए किसी भी मामला के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है? जवाब है, ऐसी तहरीर को कालम कहते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके पहले अभी हमने
मंजरनामा यानी स्क्रिप्ट और अदारियाँ के बारे में देखा। अब हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? डॉक्यूमेंट्री जो है वह एक ऐसी तख्लीक है जिसमें किसी मसले पर इस तरह रोशनी डाली गई हो कि देखने वाले और सुनने वाले उससे मुतासिर होकर उस मसले के हल के लिए अमलन उठ खड़े हों। डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो बराह रास्त कोई न खबर होती है, न इंटरव्यू, न मुज़ाकरा। अलबत्ता ये चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं दिखाई मौजूद ज़रूर होती हैं। यानी डॉक्यूमेंट्री में इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि सुनने या देखने वाला उससे बहुत हद तक मुतासिर हो। अगला सवाल है, ज़ैल में से कौन कालम के अक्साम में शामिल नहीं है? इसमें हम देखते हैं कि कालम की अमूमन कितनी किस्में होती हैं। सबसे पहले तो कालम की अमूमन जो होती हैं वो पांच किस्में बताई जाती हैं। सबसे पहले है रंग बिरंगा कालम, उसके बाद ज़ाती कालम, फिर है मजाहिया कालम, चौथा है सिंडिकेट कालम और पांचवा है खसूसी कालम। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ज़ाती कालम है, खसूसी कालम है, मजाहिया कालम है, लेकिन जमाती कालम जो है ये कालम की अकसाम में शामिल नहीं है। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, ऐसे हल्के फुल्के मजमून को क्या कहते हैं जिसमें किसी इदारे, शय या फर्द पर ज़रूरी रोशनी डालते हुए इसके अहम पहलुओं को नुमाया किया जाता है? जवाब है, ऐसे हल्के फुल्के मजमून को फीचर कहते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके अलावा इदारिया हम लोग देख ही चुके हैं कि इदारिया जिसमें मुदीर, नाशिर या मालिक किसी अहम मसले पर अपनी राय देता है, यानी अखबार की वो तहरीर होती है। इसके अलावा कालम देख चुके हैं कि एक ऐसा सहाफ़ती फीचर होता है जिसमें मुंतखब मौजू पर अपने मखसूस अंदाज में राय पेश करते हुए किसी अहम पहलू पर रोशनी डाली जाती है। और इसके अलावा कालम भी हम देख चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं, ऐसी तहरीर को क्या कहते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ ख्याली या हकीकी वाक़यात की सिलसिलावार तफसीलात मा आवाज़ी और तसव्वुरी अज्ज़ा के दर्ज होती है और जिसमें इस मैदान की कबूल करदा या मंजूर शुदा इस्तिलाहात और मुख़फ़फ़ात और हैत को इस्तेमाल किया जाता है? जवाब है, ऐसी तहरीर मंजरनामा या स्क्रिप्ट कहलाती है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, स्क्रिप्ट निगारी के लिए कितनी चीज़ों की अहलियत की ज़रूरत होती है? जवाब है, स्क्रिप्ट निगारी के लिए जो होती है वो 5 चीज़ों की अहलियत की ज़रूरत होती है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 5 चीज़ें जो होती हैं वो अगला सवाल देखते हैं, ऐसी तख्लीक को क्या कहते हैं जिसमें किसी मसले पर इस तरह रोशनी डाली गई हो कि देखने और सुनने वाले उससे मुतासिर होकर उस मसले के हल के लिए अमलन उठ खड़े हों। यानी वो मसला जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाता है उससे बहुत हद तक मुतासिर हो जाएं, तो ऐसी जो तख्लीक होती है उसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में से स्क्रिप्ट निगारी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके 2 ज़ुमरे सही हैं। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से ज़ुमरे सही हैं। ए है रिसर्च की ज़रूरत, सीन का उन्वान। बी रिसर्च की ज़रूरत, ढांचा बनाना, कॉन्सेप्ट को सोच लेने की अहलियत। सी विजुअलाइजेशन, बसरी पैकर में सोचने या पेश करने की अहलियत। मुकालमे और बयानिया लिखने का मलका। डी ढांचा बनाना, सीन का बयान। तो इसमें जो है वो ज़ुमरा बी हम देखते हैं, रिसर्च की ज़रूरत, ढांचा बनाना, कॉन्सेप्ट को सोच लेने की
अहलियत। इसके अलावा विजुअलाइजेशन, बसरी पैकर में सोचने या पेश करने की अहलियत, मुकालमे और बयानियाँ लिखने का मलिका, यानी बी और सी के जुमरे इसमें दुरुस्त हो जाएंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी के साथ आज हमारी निसाब में शामिल जो 10वीं यूनिट थी वो भी तमाम हो गई, यानी 10 के 10वें यूनिट हमने मुकम्मल कर लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझें तो उसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुकम्मल और मुफीद जानकारी आपको वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ आज हमारी क्लास तमाम हो गई है। बहुत शुक्रिया।